पता चलता है रोड पर जाते हैं, और जिस दिन वो जाते हैं रोड पर उस दिन डग्गा मार नहीं चलता है। नमस्कार, आपके साथ में तबरेज़ आलम। आज हम मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर में। जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों ने जान गंवाई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश दिए थे कि किसी तरीके से प्रदेश में जो डग्गा मार वाहन, जो ट्रेकर बसें चल रही हैं, उनको बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए। अगर कहीं पर डग्गा मार नज़र आया तो उन अधिकारियों की खैर नहीं है। भाई, हम आपको इन कुछ तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि आप मेरे पीछे इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि शाहजहांपुर का वो रोडवेज बस अड्डा, जिस तरीके से प्रगति राह पर चल रहा है, लगातार बन रहा है। भाई, मेरे पीछे जो बसें संचालित हो रही हैं यहाँ से लखीमपुर गोला महामदी शाहजहांपुर हरदोई के लिए और सीतापुर अन्य मार्गों पर लगातार जो बसें हैं वो संचालित की जा रही हैं। वहीं इसी के बगल में शाहजहांपुर हरदोई बस के बगल में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है, परिवहन मंत्री दयाशंकर ने भी कड़े निर्देश दिए कि डग्गा मार पूर्ण तरीके से शून्य होना चाहिए। लगातार हरदोई मार्ग पर जो प्राइवेट बसों का संचालन है वो लगातार किया जा रहा है। जिला प्रशासन से लेकर RTO तक इस बात का एक सबूत, एक प्रूफ दें कि किस तरीके से इसको बंद किया जा सकता है। वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर शाहजहांपुर डिपो के चालक खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पाल। मनोज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ, परिवहन मंत्री भी लगातार सारे लोग कोशिश कर रहे हैं डग्गा मार को शून्य कर दिया जाए, और आप तो एक चालक हैं, आपको क्या लगता है, रात दिन आप भी हरदोई करते हैं, वो भी हरदोई वो पड़ोस में ही लगा के भर रहे हैं, क्या किया जाए, ऐसा क्यों है अब ये? अच्छा, ये लगभग आप कितने दिन से देख रहे हैं? ये लगभग 12 साल से तो हम ही चला रहे हैं इसको। अच्छा, रोडवेज बस में? हाँ। क्या लगा? 12 साल से ये बराबर यहीं लग के भरती है, यहीं पे। कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको क्या ऐसे में विभाग से आपसे इनकम नहीं मांगी जाती, पूरी इनकम जाती है? उसमें कटौती भी होती है, वेतन की कटौती। आप एक बार अधिकारी को ये अवगत नहीं कराते कि बगल में जब प्राइवेट बसें का संचालन हो रहा तो रोडवेज में आय कैसे बढ़ सकती है? उसमें जो है हम लोग लड़े क्या, अब वो तो कुछ कहते नहीं है। लड़ाई की भी नौबत आती है क्या? और क्या, क्या लड़ाई की नौबत आ जाती है? तो यहाँ से बैग पकड़ के ले जाते हैं सवारी और अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं क्या? और क्या, बैग ले लेते हैं तो मजबूरी में जाती है सवारी, और क्या। तो जिस तरीके से चालक महोदय का सीधा कहना है कि हाथ पकड़ के जिस तरीके से लगातार प्राइवेट बसों में यात्रियों को बैठाने की जो कवायद है वो भी की जाती है, यहाँ पर आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि चार कदम की दूरी जस्ट रोडवेज बस स्टॉप के जस्ट बगल में प्राइवेट बसों का चलना, आखिर ये निगम के लिए किस हद तक सही है? आखिर CM योगी आदित्यनाथ के वो निर्देश, वो आदेश किस तरीके से पालन किए जाएंगे, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? आप वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस अड्डे के रोडवेज बस स्टेशन के जस्ट बगल में एक ऑटो स्टैंड, जहां पर दूर दूर से आने वाले लखीमपुर सीतापुर से वो प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, वो डग्गा मारी वाहन आते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैजिक ऑटो स्टैंड यहाँ पर है। जिस तरीके से कहीं प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये जो जगह है, जो ऑटो स्टैंड है, ये कैंट के अंदर आता है, शाहजहांपुर कैंट के अंदर संचालित होने वाला जिस तरीके से ये मैजिक और ऑटो स्टैंड है, क्या ये सही है? परिवहन निगम के ऐसे किस आदेश पर जिस तरीके से कहा जाता है कि एक बस स्टेशन के 3 किलोमीटर परिधि में कोई भी अवैध तरीके से कोई भी पार्किंग, कोई भी डग्गा मार स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो भाई पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पालन हो रहा है उस आदेश का, लगातार जो स्टैंड है वहीं पर चंद कदम की दूरी पर बस स्टेशन रोडवेज भी है, और इसी के बगल में जैसे हरदोई शाहबाद के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो भरी जाती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर चचा हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहबर खान। क्या करते हैं? हम यहाँ पे गाड़ियाँ भरवाते हैं। अच्छा, गाड़ियों के संचालन का कार्य देखते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको डग्गा मार्ग लेकर कैसा, क्या लगता है? चालक और परिचालकों पर काफी इनकम का दबाव रहता है अधिकारी? जी जी, दबाव रहता है हर जगह, जिस रोड पे चले जाइए, जैसे बरेली मोड़ है वहाँ चले जाइए, डग्गा मार्ग खड़ी मिलेगी, वो जैसे रोडवेज बस देखें भाग खड़े होंगे। यहाँ पे बस अड्डे पे सुबह सुबह भरते हैं, सीतापुर ले फलाना ले कुआया ले कुटाल लो, सब यहीं पर भरते हैं, बिल्कुल सामने रोडवेज सामने खड़ी होती है उसके सामने भरते हैं, कोई कहीं ने सुनने वाला नहीं है। RTO ने कभी एक्शन नहीं लिया? अब RTO साहब का नहीं पता रोड पर जाती है नहीं जाते, हम तो यहाँ रोडवेज पर रहते हैं, एक्शन तो लेते हैं। वैसे अभी बंद करे तो कम से कम 8-10 वाहन बंद करे थे RTO साहब ने। RTO साहब को जब पता चलता है रोड पर जाते हैं, और जिस दिन वो जाते हैं रोड पर उस दिन डग्गा मार नहीं चलता है। अच्छा, लगातार अगर ऐसे ही बस अड्डे के बराबर में प्राइवेट वाहन भरते रहे तो क्या रोडवेज का घाटा होगा? गवर्नमेंट का घाटा होगा, बिल्कुल। क्या करना चाहिए इसको, बेहतर कैसे? इनको बंद होना चाहिए कम से कम जी, अगर जिस दिन ये बंद हो जाएंगी उस दिन इनकम रख ही नहीं चुकेगी रोडवेज की, ये बिल्कुल लिख के दे दूं मैं कम। सर, जिस तरीके से उन्नाव में एक भीषण हादसा हुआ, उसमें 18 लोगों की मौत हुई, योगी
सीएम योगी ने जिस तरीके से कड़े निर्देश दिए हैं डग्गा मार को लेकर और परिवहन मंत्री ने भी काफी गाड़ियों को चेक किया है, इस पर आप क्या कर रहे हैं शाहजहांपुर के क्षेत्र को? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं परिवहन मंत्री जी ने जो कड़ा रुख अपनाया उन्नाव की घटना पर, हम लोगों ने भी काफ़ी कड़ाई की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से सामंजस्य बना करके विगत दिनों में हमने 70 वाहने जो है सीज किया है और हम दोनों लोग और भी डबल डेकर भी पकड़ने के लिए पूरा अभियान चला रहे हैं और निरंतर प्रयास करेंगे, इसको शून्य करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आदेश किस तरीके से पालन किए जाएंगे, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? कैमरा पर्सन अंकित के साथ तबरेज आदम, लखनऊ।